रतलाम में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सरेंडर करने पहुंचा। इस मामले में सोमवार दोपहर बाद नया मोड़ आ गया। नामली थाना पुलिस शाम होने तक कोर्ट में केस डायरी पेश नहीं कर सकी। इसके बाद कोर्ट ने जीवन सिंह को मंगलवार को 11 बजे पेश होने को कहा। वहीं नामली थाना पुलिस को कोर्ट में केस डायरी पेश करने के लिए निर्देशित किया गया। गौरतलब है कि जीवन सिंह शेरपुर के विरुद्ध नामली थाने में जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज था। अप्रैल 2021 में नामली पुलिस थाने पर फरियादी महेंद्र सिंह सिसोदिया की शिकायत पर जीवन सिंह शेरपुर के विरुद्ध गोली चलाकर जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। वहीं रिंगनौद और औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाने पर भी जीवन सिंह शेरपुर के विरुद्ध दो प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें उन्हें न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। तीन सौ सात का एक फर्जी मुकदमा था, लंबे समय से उसमें मुझे फरार घोषित कर रखा था, इसलिए आज मैं पेश हुआ था। कोर्ट में आप तो वापस जा रहे हैं खाली हाथ? कल बुलाया वापस, आज छोड़ दिया कि जाओ, और बाकी वकील साहब बताएंगे आपको। आपको पुलिस अभी नहीं पकड़ दी? हाँ, तो पुलिस ने तो ये कोर्ट से आदेश कराया कि जाओ घर। ये 307 का मुकदमा कहाँ का है? नामली थाने का है। हमने एक फर्जी मुकदमे के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत पेश की थी, जिसमें हमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि आप न्यायालय में सरेंडर करें और हो सके अगर संभव हो तो आप सेम डे ही जमानत की सुनवाई कराएं। परंतु आज दिनांक को नामली थाने से केस डायरी उपलब्ध नहीं हो सकी, तो माननीय श्रीमान ने हमें कल सुबह 11 बजे उपस्थित रहने का आदेश कर नामली थाने को आदेशित किया है कि वे केस डायरी में प्रतिवेदन के संबंधित कोर्ट में पेश करें, जिसके बाद आगे कार्रवाई की जा सकेगी।